हेलो गाइस, मैं हूं अमित और हम लोग आ गए हैं भाई साहब आज जंगल में। और साफ साफ कहूं तो हम लोग आ गए हैं सरिस्का नेशनल पार्क में, सरिस्का टाइगर रिजर्व में। और हम लोग देखने आए हैं टाइगर्स। जी हां, जंगल में हम घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे टाइगर यानी कि बाघ यानी कि शेर, जो भी आप कहना चाहें। और भाई अभी हम लोग जो है पूरा अंदर नहीं घुसे हैं। आप लोग देखो यहाँ पर पहाड़ है वैसे तो चारों तरफ और जो है एकदम हरियाली है तगड़ी वाली, लेकिन अभी हम पूरा अंदर जंगल में नहीं घुसे हैं। जंगल के बाउंड्री अंदर आ चुके हैं लेकिन जो टाइगर रिजर्व है उसके मेन गेट पर नहीं पहुंचे हैं, तो वहां पर जाएंगे और अंदर जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। और भाई अंदर जाना व्हीकल्स के लिए अलाउड नहीं है, मतलब यहाँ तो हम गाड़ी लेकर के आ गए हैं, गेट तक जाएगी गाड़ी, लेकिन गेट से आगे हम जो है सिर्फ सफारी, जो जंगल सफारी होती है, जो जिप्सी होती है बेसिकली वन विभाग की, उसी के अंदर जा सकते हैं। उसके अंदर सारे लोग जाएंगे, टाइगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखते हैं और क्या क्या जानवर हमको मिलते हैं, क्या क्या मजा आता है। फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों हम जो है सरिस्का नेशनल टाइगर रिजर्व के गेट पर आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व लिखा हुआ है। ये है भाई जंगल का रास्ता और इधर सफारी होती है, लेकिन हमको लगी है भूख बहुत तेज, तो थोड़ा आगे जाते हैं, शायद कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। आगे एक जगह की जो कचौरी है वो फेमस बताई जाती है, तो वो कुछ खा भी करके आएंगे, थोड़ा सा पेट में कुछ जाना चाहिए। सफारी जो है वो चालू होगी 1:15 पे, है ना, और अभी जो टाइम है वो 12:29 हो रखा है, तो हमारे पास 45 हैं, आधा घंटा तो है कम से कम, तो हम जो है फटाफट से जाके कुछ खा के और आ सकते हैं। One hour later. दोस्तों यहाँ पर अंदर घूमने के लिए स्पेशल गाड़ियाँ जो कि हैं यहाँ पर, ये है मारुति की जिप्सी, एक यहाँ खड़ी है, हमारे पास में दो गाड़ी हैं और एक यहाँ खड़ी है, क्योंकि हम लोग 8 हैं तो 4-4 दोनों में हो जाएंगे, फिर अंदर चलेंगे। और ये जो गाड़ियाँ हैं ना यार, ये ऊपर से खुली हुई हैं, आप लोग देख सकते हो, यानी कि इसमें कोई कांच नहीं है, कोई जो है इसमें ग्लास नहीं है, कोई छत नहीं है, एकदम खुला माहौल, जंगल का मज़ा। तो अब जो है बैठते हैं और जंगल के अंदर चलते हैं। आगे आने दो मेरे को। तो गाइस यहाँ पर जिप्सी में बैठ चुके हैं हमारे गाइड हैं अजय जी और वहाँ पर है श्याम जी, एक बार उनको भी दिखा दीजिए, वो जो हमको गाइड करेंगे और अजय जी भी हमको गाइड करेंगे जंगल के अंदर कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, इन्हीं के ऊपर है सारा। तो भाई हम लोग घुस चुके हैं और सफारी के अंदर फिलहाल चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको ऑडियो से जो है उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि यार खुले में है बिल्कुल, तो माइक के ऊपर थोड़ी हवा आ सकती है। यहाँ पे है सर इसका टाइगर रिजर्व एंड वी आर एंटरिंग इनटू इट नाउ। यार भाई साहब यहाँ पर जो अंदर आकर के माहौल है वो ऐसा है एकदम, वैसे तो सुनसान सा है पूरा, कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। और यहाँ पर अजय जी से पूछते हैं कि टाइगर का क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से जो टाइगर है उसकी हम खोज करेंगे, जो टाइगर है हमको वो कैसे मिल सकता है। तो आपके पास में टाइगर की कुछ ट्रैकिंग रहती है क्या, कि आपको पता हो कि टाइगर कहाँ पर है, आपको कैसे पता चलता है उसका? हमें मालूम होता है कि जब टाइगर या लेपर्ड्स का मूवमेंट होता है तो सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, पीकॉक, लंगूर, इनका एक अलार्मिंग कॉल होता है, वार्निंग कॉल। अच्छा। तो तब टाइगर मूवमेंट करता है तो ये वार्निंग कॉल देते हैं, तो उससे हमें मालूम हो जाता है कि टाइगर या लेपर्ड का मूवमेंट है, दिखने की संभावनाएँ ज़्यादा बन जाती हैं उस समय। तो अभी यहाँ पर इस जंगल में मतलब सरिस्का में कितने टाइगर्स हैं फिलहाल, जहाँ अपन जा रहे हैं कितने हैं टोटल? अभी सरिस्का में टोटल टाइगर्स है 23, जिसमें 6 10 फीमेल और 7 कब्ज हैं। 100+ से ऊपर लेपर्ड्स की संख्या है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी अच्छी संख्या है, साइटिंग्स भी काफ़ी अच्छी होती है। सुबह भी हमें युवराज मेल टाइगर ST-21 का साइटिंग हुआ था काफ़ी अच्छे से, तो अभी हम फिर उसकी ट्राई करेंगे। तो अभी अपने को यहाँ पे कब्ज भी देखने को मिल सकते हैं क्या, टाइगर कब्ज, या वो अभी नहीं है ट्रैकिंग? संभावना हमें कम है अभी। अच्छा। क्योंकि कब्ज से जो नॉन टूरिज्म में है
वो तो वैसे किसी को दिख जाए तो ठीक है, बाकी वैसे आप ट्रैक नहीं करते उनको, है ना? ट्रैक हमें नहीं हो पाता। ट्रैक करता कौन है टाइगर्स को? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, जिसका एक कंट्रोल रूम होता है, तो वो जितनी भी चौकी होती है वहाँ पर वायरलेस सेट होता है, तो उससे सभी जो कंट्रोल रूम वाले कर्मचारी होते हैं तो वो उनसे संपर्क में रहते हैं, और हर घंटे की लोकेशन वो वहाँ के जो बीट गार्ड होते हैं उनसे लेते हैं वो। टाइगर जब रोड पे घूमता है तो उसके पगमार्क्स मिलते हैं हमें, उसके पंजे के निशान मिलते हैं, उससे ये लोग जो हैं ट्रैक करते हैं उनको कि वो कहाँ पर है। गाइस ये राजस्थान ही है, राजस्थान का एक बार नज़ारा देखो, कौन कहता है यहाँ पे जो है मिट्टी रेत है, पूरा ग्रीन है, एकदम लश ग्रीन, पूरा लश ग्रीन, हाँ जबरदस्त नज़ारा है चारों तरफ। यार बहुत बड़ी लेक है ये तो, मतलब ये बारिश में बड़ी हो जाती है और नॉर्मली छोटी हो जाती है। उधर से आते हैं तो उस साइड में भी आ पाते हैं ना, हाँ दिख गया दिख गया। तो यहाँ पे 23 टाइगर है, उसमें 23 टाइगर हैं, इसमें 6 मेल है, 7 कप्स एंड लीटर हैं, और 10 फीमेल हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से टाइगर को रणथंभौर से यहाँ पे लेके आए। उसके बाद नेक्स्ट टाइगर है वो 4 जुलाई 2008 को एक फीमेल टाइगर से लेके आए। उसके बाद अलग अलग डेट में यहाँ पे बहुत टाइगर लेके आए। ये कोयल है फीमेल। अच्छा जी, हाँ जी फीमेल है, फीमेल का कलर है, मेल होगा उसका बिल्कुल डार्क ब्लू कलर, ब्लैक कलर होगा। तो ये ऐसे जमीन पे बैठ के ही पानी पीते हैं इसी तरीके से? हाँ बिल्कुल, सभी पक्षी जमीन पे बैठ। इसको तो डर भी नहीं लग रहा, हमारे उधर कोयल होती है वो तो डरती है बहुत ज़्यादा। नहीं इतना डरती नहीं है क्योंकि वो पानी पी रही है अभी। अच्छा, अभी जाएंगे तो वो उड़ जाएगी वहाँ से। अच्छा भाई कोयल पानी पी रही है यार, यहाँ पर कोयल पानी पी रही है, क्या बात है। कौन सा डियर है? स्पॉटेड डियर। हाँ इसके ऊपर चित्ते हैं ना, स्पॉट्स हैं इसके ऊपर। इसके जो सींग है वो गिर जाते हैं, सींग होते हैं तो गिर जाते हैं। ये मेल्स के होते हैं, मेल्स के नहीं होते हैं। अच्छा बहुत सारे हैं यार इधर तो। हाँ इधर भी है, इधर भी है। तो भाई हमको जो है हमारा पहला जानवर मिल चुका है यहाँ पर, जो स्पॉटेड डियर है। स्पॉटेड डियर ही है ये तो ना, स्पॉटेड डियर। ये मेल बैठे हैं ऊपर। अच्छा धीरे धीरे आवाज नहीं करना। अच्छा जो बैठे हैं वो, अच्छा जिसके सींग है वो मेल है बेसिकली। सींग वाला फीमेल है ये, फर्स्ट वाली। ठीक है। अच्छा तो मेल का तो साइज भी बड़ा है फीमेल से। फीमेल नहीं होगी इसमें। हाँ ये भी है, वो अट्रैक्ट करने के लिए उनको, है ना। इसके सींग देखो यार, मतलब हाँ इसके मतलब इसका जितना साइज है उतना ही इसके सींग भी ऊपर तक जा रहे हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चीतल। अच्छा ये चीतल है भाई। यहाँ पर पूरे पेड़ के ऊपर लंगूर बैठे हुए हैं, इस साइड में भी और कुछ हमारे ऊपर भी हैं, और ये एक साथ झुंड में बैठे हुए हैं सारे। स्पॉटेड डियर से बड़ा साइज है सांबर का। इधर से भी दो दो सांबर उधर खड़े हो पेड़ के पीछे। अच्छा खास बात ये है कि ये जो जानवर हैं ये एकदम फ्री हैं, मतलब इनके ऊपर किसी को रोक टोक नहीं है, ये किसी के पालतू नहीं है, ये अपना सब कुछ खुद ढूंढते हैं, खुद खाते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, और यही असली नेचर है। देखो अच्छा ये लीडर ही है क्या जो ये नीचे कुछ खा रहा है? ग्रुप का लीडर होता है। अच्छा बाकी सारी फीमेल है? फीमेल है। इसके सींग छोटे छोटे क्यों हैं? गिरने के बाद फिर से नहीं आ रहे इसके। अच्छा जैसे हम बाल कटवा लेते हैं छोटे छोटे फिर बड़े होते हैं धीरे धीरे, उसी प्रकार इसका सींग गिरने के बाद में गिर जाता है, मतलब अपने आप ही अपने आप गिरता है। हर साल गिरते हैं, हर साल गिरते हैं, अभी नया आता है बारिश के मौसम में। अच्छा कुछ वेस्ट नहीं होता, मतलब जंगल में कुछ भी वेस्ट नहीं होता, सारी चीजें एक दूसरे जानवर के द्वारा यूज कर ली जाती हैं, और इसको जो है अलग ही मजा आ रहा है इसमें लौटने में। इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं मस्ती में अपनी में। हाँ जी टाइगर है क्या इधर?
अच्छा जी बस तो आपको तो दिखता रहता होगा आप ऐसे घूमते हो तो। अच्छा जी दोस्तों अब हम लोग जो है डीप जंगल में आ गए हैं और यहाँ पर इस जगह का नाम है छान पापड़ा और इस जगह पर टाइगर के मिलने की जो पॉसिबिलिटीज हैं जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो काफ़ी हाई हैं। यहीं पर ही है फिलहाल टाइगर, बस अब वो दिखे ना दिखे लेकिन है बिल्कुल पास में। अजय जी बता रहे हैं भाई साहब कितने रेंज में होगा यहाँ से आपके हिसाब से? 200-300 मीटर में है यहाँ से, 200-300 मीटर में टाइगर है। हाँ सुबह से यहीं पे ही है और वो पूरे दिन यहीं पे रहता है, फिर एक जगह जहाँ पर एक दिन रहता है वहीं पूरे दिन ही रहता है ऑलमोस्ट। गाइस यहाँ पर जो मोर है वो डांस कर रहा है, अभी पीछे का हिस्सा दिख रहा है इसका हमको, अभी जो है अब दिखेगा इसका। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने भी देखा, मैंने भी देखा। नहीं हमने तो देख लिया भाई, जंगल में मोर नाचा हमने देखा, देखो आप भी देख लो, जल्दी देख लो। गाइस यहाँ पर एक ये इसको क्या बोलते हैं, हेयर बोलते हैं इसको ना, ब्लैक नेप्ड हेयर। हाँ ब्लैक नेप्ड हेयर है ये, इंडियन हेयर। अच्छा इंडियन हेयर है, अच्छा इंडियन हेयर वो ब्राउन कलर का ही होता है, बिल्कुल यही है। रैबिट में और इसमें फर्क होता है ना, पालतू वाले होते हैं रैबिट। वो उससे आगे वो भी गया नेवला, नेवला मंगूस, मंगूस दिखा? मंगूस दिखता है तो ये होता है कि जंगल में शुभ है। अच्छा जी शुभ मानते हैं जब मंगूस दिखता है। ओके और ये एकदम यहाँ पे रुका हुआ है बिल्कुल, अब दोनों ही चीजें साथ दिख रही हैं, खरगोश का अशुभ मानते हैं कि खरगोश दिख गया अशुभ होता है, मंगूस दिख गया तो बोले दोनों चीज एक साथ दिख रही है तो अब शुभ होगा कि अशुभ होगा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि दोनों चीजें एक साथ दिख गई। अब भाई ये तो वाइल्ड लाइफ है देखो, ये तो उनको पता ही नहीं है कि शुभ अशुभ क्या होता है, वो तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप देख सकते हो वहाँ पर वो जो हेयर है, वो जो खरगोश है वो एकदम शांति से बैठा हुआ है। ये तीतर है और ये जंगली तीतर है, उस इस दीवार के ऊपर घूम रहे, पांच हैं। गाइस यहाँ पर एक मोर है और यहाँ पर एक जो है बतख भी है, एक डक भी है, दो हैं इनफैक्ट, दो हैं और अभी पानी में घुसेगी, ये पानी में जाने वाली है और जा। अरे पानी में तो घुस गई, वो तैरने नहीं लगी पर अभी, है ना। दोस्तों यहाँ पर ये कुछ जंगली बेरीज हैं जो कि यहाँ पे मिले हैं, मुझे इसका नाम तो नहीं पता कौन सा फल है ये एकदम देखो रेड रेड कलर का है और मीठा सा है टेस्ट इसका, कुछ अलग ही है, कुछ एकदम अलग ही फ्लेवर आता है इसमें। भाई जब ऐसी चीज़ नहीं खाई पहले कभी, दोपहर से टाइगर ढूंढ रहे हैं अभी तक तो मिला है नहीं। तो गाइज हम लोग यार दोपहर से शाम तक घूम चुके हैं टाइगर को ढूंढते हुए और अब वापस निकल चुके हैं टाइगर रिजर्व से, लेकिन टाइगर तो नहीं मिला अब क्या करें। लेकिन वैसे बहुत सारे जानवर मिले अब यार, ये तो देखो टाइगर जो हमारे हाथ में तो है नहीं कि वो कब आएगा, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं था तो हमको नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे जानवर वैसे हमको ज़रूर मिले और एक अंदर जो शांति होती है, जो एक फील होती है वो ज़रूर थी। और यार हमारा काम है आपको वो दिखाना जो हमें महसूस हुआ, जो हमें दिखा, तो हमने आपको वो दिखाया। और आपके इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अजय जी हमारे जो गाइड हैं इनके पास में वीडियो है जो इनको सुबह टाइगर दिखा था उसका भी, और कुछ इनके पास में टाइगर के और वीडियो जो इन्होंने खुद ने बनाए, क्योंकि इनका ये तो रोजाना आते रहते हैं तो गाइड हैं, ठीक है। तो इनसे हम जो है वो वीडियोस लेके वो मैं आपको भी प्ले करके दिखाने वाला हूँ, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व की ही वीडियोज़ हैं, किसी और की नहीं है, इनकी खुद की है, तो आप वो देखिए और उसके बाद में वीडियो ख़त्म करते हैं। धीरे धीरे
तो भाई पूरा जंगल छान मारा यार सफारी में, मतलब वो जो जंगल सफारी है उस गाड़ी में घूमते रहे, धूप में, धूल में, सब कुछ जो है कोशिश करी, लेकिन यार बहुत सारे जानवर मिले, टाइगर नहीं मिल पाया। लेकिन आप लोगों ने अभी जो क्लिप्स देखी वो यहीं के सरिस्का की टाइगर्स की हैं, फिलहाल की ही हैं। तो यार देखो ये तो किस्मत के ऊपर होता है, हर किसी की अपनी किस्मत होती है, 10 में से 2-3 लोगों को दिख भी जाता है, 5-6 लोगों को नहीं भी दिखता, तो हो सकता है हम उन 5-6 में से हो। लेकिन यहाँ पर टाइगर है ज़रूर, यहाँ पर वो बता रहे थे 23 टाइगर्स हैं, लेकिन वैसे जो माहौल है वो एकदम बढ़िया था। और हमारा जो चैलेंज था कि टाइगर ढूंढने का, वो तो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन जो जंगल घूमने का था वो ज़रूर से पूरा हो गया। और आज जो है काफ़ी मज़ा भी आया, और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ में आप भी घूमे होंगे, हमने कोशिश करी आपको बढ़िया से बढ़िया दिखाने की। तो अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। और एक और बात, ये जो पूरा वीडियो है ये जब से स्टार्ट हुआ है, हम अपने घर से यहाँ आए हैं, उसका हमने पूरा एक व्लॉग बनाया है, हमने बहुत डिटेलिंग में चीज़ें दिखाई है, तो वो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस चैनल के ऊपर बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप उसको भी देख सकते हो। अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे नहीं आएगा, अमित XYZ पे आएगा, दूसरा चैनल है हमारा अमित XYZ जो कि व्लॉग चैनल है, उसके ऊपर आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक से अभी की अभी कर लो सब्सक्राइब उसको, उसमें आपको जो है पूरी डिटेल मिलेगी कि हम कैसे हमने स्टार्ट किया था, पूरे रास्ते कैसे क्या मस्ती करते हुए हम लोग आए हैं, और कैमरा वैमरा हमने कौन सा यूज़ किया, किस तरीके से हमने मतलब अपना जो है पूरा टाइम बिताया यहाँ आने से पहले, तो वो आपको व्लॉग में मिलेगा डिस्क्रिप्शन में लिंक से। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। अब टाइगर मिलता तो मज़ा कुछ और ही होता, लेकिन यार हम तो आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहते हैं, तो और लाते रहेंगे यार, कोई बात नहीं, हमेशा अपनी जीत थोड़ी ना होती है, और ये तो जीती है यार, हमने हमारा काम तो जंगल घूमना, आप कुछ दिखे ना दिखे वो हमारे हाथ में था ही नहीं, तो मज़ा आया तो लाइक कर देना यार ज़रूर से, ठीक है, थक गए हैं बुरी तरह, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। चलो, और जो व्लॉग है ना, व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है, व्लॉग तो अभी और चलेगा।